ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ग्रेजुअली इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द फोर्स ऑन द स्लैब एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देखो, आपके पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आइसोलेटेड है। इट मीन्स किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, बट इस पे चार्ज चार्ज्ड है ये, है ना। कैपेसिटर ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव एंड नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज मैंने ले लिया। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैं ले लेता हूँ, इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लेट्स से के है, और इस स्लैब को हम ग्रेजुअली इंसर्ट कर रहे हैं इस कैपेसिटर के अंदर, राइट। सो आप देखो, ये आप खुद से भी निकाल सकते थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो डिक्रीज होगी, राइट। लाइक जब कंप्लीटली ये जो स्लैब है ये इस कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा, देन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/k टाइम्स हो जाएगी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। सो अभी क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी जैसे जैसे ये जो स्लैब है ये इस कैपेसिटर के अंदर जाएगा। सो क्या हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा यू होगा वो निगेटिव होगा। डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी लेसर देन द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स वाई जो डेल्टा यू होगा वो निगेटिव होगा। नाउ ये वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स है? ऑफकोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ डेल्टा यू निगेटिव है, डेल्टा यू निगेटिव है और उसके सामने एक निगेटिव साइन और लगा है। सो क्या हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन दिस केस विल बी पॉजिटिव? निगेटिव एंड निगेटिव दैट विल बिकम पॉजिटिव। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पॉजिटिव। जो वर्क डन बाय अ फोर्स होता है वो कब पॉजिटिव होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। नाउ ये जो स्लैब है इसका डिस्प्लेसमेंट है फॉरवर्ड, इट मींस जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस स्लैब पे वो भी फॉरवर्ड। तो आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ये जो कैपेसिटर है ये इस स्लैब पे पुलिंग फोर्स लगा रहा है, इसको पुल कर रहा है। सो अगर आप इस स्लैब को ग्रेजुअली इंसर्ट करना चाहते हो इस कैपेसिटर के अंदर, देन आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। जितना फोर्स, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस स्लैब पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट ये जो स्लैब है ये ग्रेजुअली इस कैपेसिटर के अंदर जाए। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे। आप देखो, स्लैब में क्या होता है कि चार्जेस इंड्यूस होते हैं, जैसे इस स्लैब की ऊपर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और नीचे वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये तो आपको पता ही होगा किस तरह से कैपेसिटर की ऊपर वाली जो प्लेट है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट्स वाई उसके नज़दीक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और कैपेसिटर की नीचे वाली जो प्लेट है उसमें नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। नाउ आप अगर देखोगे इफेक्टिवली क्या होगा कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है और प्लेट का पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली नीचे वाली सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट का नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में भी अट्रैक्शन होगा। सो जो ओवरऑल नेट फोर्स, और भी फोर्सेस होंगे बट यू नो, जो जिसके कारण एक्चुअली जो पुलिंग फोर्स आएगा इस स्लैब पे बाय द कैपेसिटर, सो दैट विल बी बिकॉज ऑफ दीज टू अट्रैक्शन। सो आप देखो, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्लैब बाय द कैपेसिटर वो पुलिंग है। क्या आप मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट कर सकते हो? आप देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इससे हम कह सकते हैं कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, देन एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स ना, और ये हमने निकाला है लास्ट में इसी यू नो कैपेसिटर की प्लेलिस्ट में, किसी लास्ट वाली किसी वीडियो में, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर, बट हमने ये डिटेल में डिस्कस किया रहे, तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। कीप वर्किंग आउट द स्टफ लाइक दैट।